दिल्ली के हर काम में एलजी टांग अड़ाएंगे। अगर ये पावर एलजी को दिया जाए, जितना भी काम हो रहा, शिक्षा भी हो, जो भी, एक भी काम नहीं होगा। इन्होंने भाईचारा खत्म कर दिया। हमें पाकिस्तान और चाइना से डर नहीं है, जितना इस सरकार से डर है। हमारे देश का बंटवारा करने पे तुली हुई है, यही सरकार है। एलजी साहब जो हैं, एक कठपुतली का रोल अपनाएंगे, क्योंकि उपराज्यपाल हैं वो, केंद्र शासित होंगे। जहाँ जहाँ इनकी सरकारें सबसे ज्यादा बलात्कार, छोटी बच्चियों को नहीं छोड़ रहे, क्या कार्रवाई कर रहे हैं वो? यूपी में तो उनका ही पशु को बचाते हैं, कहते हैं गौ माता को तो बचा रहे, बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, क्या देख रहे हैं ये? का प्रयास कर रहे हैं उन्होंने, और कहीं ना कहीं जनता के जो कामों में, जो केजरीवाल जनता काम करने जा रहे हैं, उनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। ये लोग नहीं चाहते कि दिल्ली का विकास हो, दिल्ली में बस यात्रा फ्री मिले, दिल्ली के अंदर बिजली फ्री मिले, ये नहीं चाहते। अच्छा इलाज हो, ये नहीं चाहते। और जो देश के संविधान के अंदर भी अब हमारे केजरीवाल जी ने एक नया वो किया है कि अपना देश को एक आज़ादी के लिए दिखाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ऐसा कि मोदी सरकार भला नहीं चाहती? मोदी सरकार इसलिए करी, पिछले 25 साल से दिल्ली की सत्ता में नहीं है, और उनको लगता है कि कामों को रोका जाए। आने वाले चुनाव 2022 में चुनाव आ रहे हैं, दिल्ली के उपचुनावों में दिखाई दिया है कि जीरो के ऊपर समेट दिया है, आने वाले समय में इनको नहीं रोक पाएंगे। अगर एलजी का हस्तक्षेप होगा दिल्ली में, ज़्यादा पावर होगी एलजी को, क्या आप लोगों को दिक्कत होगी? देखिए मैं तो मीडिया से पूछना चाहूँगा कि मीडिया को क्या नहीं पता है। मीडिया को सब कुछ भी पता है कि ये लोग अभी तक काम तो कर नहीं रहे हैं, लेकिन जो काम कर रहा है उस पर भी ये कोई ना कोई चोर बाजार ही ऐसे निकालेंगे कि चोर गेट से जाकर के ऐसे बिल लाएंगे जो जाकर के केजरीवाल सरकार जो है ना वो काम ही नहीं कर पाएगी। जब काम नहीं कर पाएगी तो उनको पता है कि ये अभी जाकर के जो है आप कहाँ लगाएंगे। आप उत्तर प्रदेश में लगा लीजिए, आप उत्तराखंड में लगा लीजिए, आप गुजरात में लगा लीजिए, जबकि केजरीवाल जी की हर जगह जो मांग आ रही है उससे ये बौखलाए हुए। आपका आरोप है कि मोदी सरकार चाहती नहीं कि केजरीवाल काम। मोदी सरकार, तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप जाकर अच्छी तरह अगर दिखाएं तो मोदी सरकार हिंदुस्तान में जितने भी युवा हैं या जितने भी किसान हैं या जो भी सरकार हैं, वो चाहते हैं कि मेरे सिवा कोई न रहे, मैं हिंदू मुस्लिम करके इस देश को लूटते रहें। और सारी जो भी हमारी बैंकें थी, आपको पता होगा, वो उन्होंने सबको प्राइवेट सेक्टर में बेच दी। उसके बाद आपने देखा LIC बेच दी। आज आप देख रहे हैं हमारे देश में बचा क्या है। वो चाहते हैं कि केजरीवाल सरकार जो एक अच्छे काम कर रही है, मैं इनको ये काम न करने दूँ। जय हिंद, जय भारत। हाँ जी, हाँ जी, एलजी साहब को अगर सरकार चलाने की इतनी ही ज़्यादा जल्दी है ना, तो वो सीट ले लें, अपना इलेक्शन कमीशन जाकर, सब कुछ उनके अंडर में आता है, बीजेपी के अंडर, और उनको दिल्ली चलाने का इतना ही ज़्यादा शौक चढ़ रहा है, तो मैडम उन लोगों को, बीजेपी वालों को, एलजी साहब को टिकट दे दें केजरीवाल साहब के खिलाफ, और इलेक्शन लड़ें और जनता की सेवा करें। लेकिन चुने चुनाए मुख्यमंत्री को वो इस तरह चोर दरवाजे से, बैक साइड से आएंगे और एंट्री करेंगे, ये बिल्कुल दिल्ली की जनता इसको नकार देगी। जिस तरह उनको उपचुनाव में 5 में से 0 सीट दी है और केजरीवाल जी को 4 सीट मिलने के बावजूद, मैडम चोर दरवाजा ही है। देखिए ना, आप एजुकेशन पे काम देखिए, केजरीवाल जी की कोई गलती तो बताइए जिससे वो निष्कासित हो सकते हैं, उनको सस्पेंड किया जाता है। कुछ नहीं है ऐसा काम, ये सिर्फ इनकी एक गलत नीति है। यह कभी राजनीति में जीत नहीं सकते हैं केजरीवाल जी से। मैडम LG के पास ऑलरेडी कानून, लैंड और लॉ एंड ऑर्डर है, 3 काम वो संभालें। बाकी के LG साहब गली मोहल्ले में नालियां तो खुलवाते नहीं जाएंगे, किसी की झुग्गी बस्ती में, किसी का लड़की बच्चा बीमार है, किसी की तकलीफ है, पेंशन बना, LG साहब नहीं जाएंगे। वो चाहते हैं कि छोटी मोटी समस्याएं भी सब LG साहब झेलें। उनके हाथ में 3 बड़े कानून और दे दिए हैं, जमीन, दिल्ली पुलिस, कानून, लॉ एंड ऑर्डर, सब कुछ दे दिया, 3 बड़े बड़े काम वो संभालें, तसल्ली, उनको कौन मना कर रहा है? जबकि कोर्ट ने भी साफ बोल दिया कि दिल्ली को केजरीवाल जी चलाएंगे, दिल्ली के मालिक केजरीवाल जी हैं, तो ये क्यों बनना चाहते हैं अपने आप में? बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही तो आते हैं LG, ठीक है। और कोई भी चीज़ होगी, अगर दिल्ली में अगर CMG अरविंद केजरीवाल जी अपनी मर्जी से और जनता के जो फेवर में, जो हक में, जो करना चाहते हैं वो नहीं करा जाएगा, अड़ंगा अड़ाया जाएगा, फाइल्स को रोका जाएगा, उन जो पॉलिसीज़ को इंप्लीमेंट करने से रोका जाएगा, क्योंकि बिना उनके अप्रूवल के पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो वाई इज़ दिस इम्प्लीमेंट कमेंट, जो अमेंडमेंट हो रहा है, ये क्यों रिक्वायर्ड है, जब अरविंद केजरीवाल जी अच्छे से काम कर रहे हैं, पूरी दिल्ली नहीं, पूरी इंडिया, पूरा वर्ल्ड जानता है इस चीज़ को, तो किस लिए बिना बात के अड़ंगा अड़ाने के लिए किया जा रहा है? अगर LG को ताकत दी जाएंगी, पावर दी जाएंगी, तो दिल्ली की जनता को परेशानी होगी? मैडम यूपी में सब कुछ LG भी उनका ही है, दिल्ली के जनता के लिए परेशानी ही परेशानी। मैं
महिला सुरक्षा के लिए जब दिल्ली पूरा दिल्ली 70 विधानसभा में जब कैमरा लगना हुआ था वो फाइल गया एलजी के पास साइन करने के लिए, एलजी ने फाइल दबा के बैठ गया। उसके लिए दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जितने भी मंत्री थे सारे धरना पर बैठ के फिर वो फाइल साइन करवा के लिए। तो शिक्षा भी जो भी एक भी काम नहीं होगा, जो फाइल वगैरह है काम वगैरह है सारा एलजी को दिया जाए, क्योंकि उसको लग रहा है कि आप देख लो अभी बंगाल में चुनाव है, 5 राज्य में चुनाव है ना, 5 रोज में 4 राज्य में क्यों नहीं फोकस हो रहा, सिर्फ बंगाल में ही फोकस है, क्योंकि वही दिल्ली वाला ही हाल होगा। जैसे सारे दिल्ली में मंत्री उतार दिए थे राजनाथ सिंह अमित शाह, वैसे उतार रखे योगी स्टार प्रचार, लेकिन ऐसी बेइज्जती हो के आएंगे ना, बिल्कुल वही ममता का ही सरकार बनेगा वहाँ पे, इसके पास और कुछ नहीं रहा, बस यही तानाशाही का सरकार है, गुंडागर्दी की सरकार है। मोदी की सरकार बनेगी बंगाल में भी, क्योंकि मशीन चलेंगी पूरी, जो इन्होंने अपने हथकंडे अपना रखे हैं ना वही चलेंगे, और इंडिया की जो 70 साल में आई है ना वैसे ही बैक जाएगी, क्योंकि दिल्ली में भी अच्छी शिक्षा का अच्छी स्वास्थ्य का वो किया हुआ है ना। हाँ जी मैडम उनको पीएम के नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पशु को बचाते हैं, कहते हैं गौ माता, गौ माता को तो बचा रहे, बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, क्या देख रहे हैं ये, इसे डर है, हमारे देश का बंटवारा करने पे तुली हुई है यही सरकार है। इनको पब्लिक के रास्ते से देखा जाए तो इनके दिल्ली ऐसा एक छेद है इनके दिल में कि यहाँ पे तो काबू कर नहीं पाई पब्लिक को, क्योंकि यहाँ पे पढ़ी लिखी पब्लिक है, समझदार है, उन्होंने इनको वोट नहीं दिया जनमत के तहत, तो ये यहाँ बिल्कुल फेल है। अब ये दूसरे तरीके से पब्लिक को गुमराह करके, जैसे और जगह गुमराह करते हैं वैसे यहाँ पे गुमराह करके अपना वो बैकडोर से ये कार्य करना चाहते हैं। जब पावर ही खत्म कर दी मंत्री का, काम क्या रह गया हमारी चुनी हुई सरकार का, हमारा लोकतंत्र की तो हत्या कर ही रहे हैं ये, और क्या करेंगे इससे। जो कि वो दिया था वे हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ भ्रष्ट होता हुआ। साथियों संसार में ये पहला एग्जांपल है, चुनी हुई जो पब्लिक चुन के आती है वही सरकार का मालिक होती है। आपने सवाल किया कि एलजी को पावर देने से क्या है, एलजी को पावर देने से संविधान का विरोध है, लोकतंत्र का विरोध है और हमारा विरोध है, इसीलिए हम ये कहते हैं जो संविधान कहता है आप वो कीजिए। लोकतंत्र में आपने जिनको हमने की सुन के दिखा दिया है उनको सत्ता दीजिए, ये लोकतंत्र एलजी की पावर बढ़ा रही है केंद्र सरकार, केजरीवाल क्यों इतनी दिक्कत कर रहे हैं, शासित होंगे ने जो वोट दिया है उस वोट की चोट पे आदरणीय केजरीवाल जी को चीफ मिनिस्टर बनाया और तमाम केजरीवाल जी ने जनहित की आवाज़ को आगे बढ़ाया और इस आवाज़ को बुलंद किया है। क्यों आपको ऐसा नहीं लगता अगर एलजी को बराबर ताकत दी जाएगी, सारी ताकत दी जाएगी तो दोनों मिलकर अच्छा काम करेंगे। देखिए संविधान के अंदर संशोधन जो किया है इन्होंने गलत किया है। अगर हम बोलते हैं कि आज केजरीवाल जी बोलते हैं पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए तो क्या दे देंगे मोदी साहब? तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारी जो जनता जनार्दन है, जो दिल्ली की जो गरीब जनता है, जो रोज़ उठ के अपने सुबह शाम अपने घर से रोजी रोजगार के लिए जाती है और एक मास जो हमें 10 रुपये का लगाते हुए और 2000 रुपये का जो चलान हुआ जा रहा है कोविड-19 की वजह से, ना जाने कितने लोग इंडस्ट्रीज़ के लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, तमाम वो लोग इस तरह से भटक रहे हैं। आदरणीय केजरीवाल जी जो संघर्ष कर रहे हैं आज भी मुख्यमंत्री होते हुए, इस जंतर मंतर पे पूरे देश के अंदर ये निगाह पहुंची हुई है कि केजरीवाल जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं। सभी अहम खबरों के लिए NewsMX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।